नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया प्लेटफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन की सुनता है। किसान आंदोलन अपने पीक पर है। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के सम्बू और खमोरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए। इस बीच एसकेएम ने 14 मार्च को दिल्ली की रामलीला मैदान में किसान रैली के आयोजन का ऐलान किया होगा। 11 मार्च को राजस्थान में राजस्थान से राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत ट्रैक्टर रैली है। आज रोहतक में सर्व पंचायत खाप का आयोजन है। किसान आंदोलन के लिए दोबारा से किसान एकता स्थापित करने की कोशिशें हुई है। इसके लिए 15 मार्च का अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन इन तमाम किसान आंदोलन की एक्टिविटी के बीच के बीच करंट कानून की मांग को लेकर दोबारा से किसानों की एकता की कवायद के बीच खबरें निकल कर आ रही हैं, वो ये कहती है केंद्र सरकार पूरे देश में 5 फसलों को 5 साल खरीद का जो फॉर्मूला है वो लागू कर देता सकता कर सकती है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल खरीद का जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या है, ये कहाँ से ये फॉर्मूला आया है और आखिरकार क्या वजह है कि केंद्र सरकार इसको लागू कर सकती है, ये पूरी बात समझेंगे। सबसे पहली बात कि ये फॉर्मूला आखिरकार क्या है। सबसे पहली बात मैं क्या है से पहले कहूंगा कि ये कहाँ से आया है। मैं इस फॉर्मूले से बात करता हूँ जो 5 साल तक 5 गारंटी है। मैं जब किसान आंदोलन कर रहे थे किसानों और सरकार के बीच बातचीत, 5वें राउंड की बातचीत और सरकार के बीच जब बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश हुई तो हमें जो मांग है उसे सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव में केंद्र सरकार मंत्री थे जिसमें खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। तो इन 3 मंत्रियों की तरफ से केंद्र सरकार ने तय किया गया जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि केंद्र सरकार 5 साल तक 3 दलहनी फसलें और 1 मक्का और कपास की 5 साल गारंटी शुरुआत करेगी। तो 3 दलहनी फसलों में तुअर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर और साथ ही साथ दलहन और मक्का और कपास। और इन सरकार की तरफ से जब प्रस्ताव दिया गया तो कहा गया कि इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, किसानों का उसमें पंजीकरण होगा और किसान जितनी भी फसल बताएंगे वो फसल 5 साल तक खरीदी जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। किसानों का मानना था कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला देश के लिए बर्बाद नहीं है। तो से अधिक जाएंगी तो ये दूसरी और फसलों के साथ अन्याय होगा। ऐसे में किसान संगठनों ने इस फैसले को अस्वीकार कर इस बीच जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही है वो ये कहती है कि किसानों की अस्वीकार करने के बाद भी केंद्र सरकार अपने फॉर्मूले को प्रस्ताव में दिए गए फॉर्मूले को देश भर में लागू करने जा रही है। संभवतः ये माना जा रहा है कि ये फैसला बहुत जल्द यानी कि ये फॉर्मूला बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसके लिए काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो दलहनी फसलों की अरहर, उड़द और मसूर वो नॉफेड मक्का वो नेफेड व एनसीएफ के माध्यम से किसानों के साथ एग्रीमेंट के तहत कर दी जाएंगी। यानी कि जो किसान ऐसी फसलें उगा रहे हैं वो पोर्टल पर जानकारी देंगे कि उन्होंने ऐसी फसलें उगाई, एक पोर्टल बनाने की बात, वेबसाइट बनाने की बात, पोर्टल के माध्यम से ही नेफेड और एनसीसीपीएफ जब किसानों को रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ कोई भी फसल उगाएंगे। इसके बाद कॉटन है, कपास है, कटा का कपास की जो खरीद है वो कॉटन बोर्ड के में। अब अस्वीकार करने के बाद लगातार अगले सरकार
सरकार देश करते हैं कि केंद्र सरकार सबसे पहली बात किया गया है फसलों की देश भर में कमी है। कमी के सिलसिले में आपको बताऊंगा। अगर बात करते हैं दलहन के मामले में भारत की जो जरूरतें हैं, भारत अगर सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा खपत, सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। भारत लगभग दुनिया का 25% दालों का उत्पादन करता है, लेकिन मामले में 27% भारत में होती है। अगर हम लोग बात करें तो दुनिया का कुल उत्पादन का 14% भारत जो है वो इम्पोर्ट करता है। ऐसे में बड़ी मात्रा में दालों के लिए भारत की निर्भरता है। ऐसे में दालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार इस एमएसपी के पास साल गारंटी खरीदने का सोचता है और बजट उसे देश में लागू करने की बात कर रही है। दूसरी बात अगर हम मक्के की करें तो मक्का जिस तरीके से एथेनॉल के एथेनॉल का को बढ़ावा देने की बात हो रही है, एथेनॉल की ब्लाइंडिंग पेट्रोल की जा रही है लगातार 80% तक का करने का, मक्का अपने आप में किसानों के लिए साबित हो सकता है। ऐसे में मक्के की खेती को लगातार विस्तार देने की कोशिश जा रही है। इसी कड़ी में मक्के की खेती का दायरा बढ़ाने की सरकार की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात ऐसे है फॉर्मूले का सीधा संबंध खेत और पानी है, उनका फॉर्मूला दिया है। असल में मौजूदा वक्त में जो किसान जो है वो चावल में सबसे ज्यादा यानी कि धान में सबसे ज्यादा पानी, ऐसे में उसके नुकसान भूजल को भी होते हैं यानी कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, साथ ही साथ खेत को नुकसान होता है। तो केंद्र सरकार का ये मानना है कि अगर किसान इन फसलों को खाते हैं मोनो कल्चर है यानी कि एक तरह की फसलों का जो कल्चर बना हुआ है उसको तोड़ते हैं तो फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बनने का सीधा मतलब ये है कि खेतों में यूरिया की कम खपत होगी, और यूरिया की कम खपत होगी तो जो यूरिया इंपोर्ट करता है भारत सरकार करती है किसान सस्ता देने के लिए, तो यूरिया के इंपोर्ट पर भी किसानों को फायदा होगा। ऐसे में ये जो 5 फसलों की खेती का दायरा बढ़ाना केंद्र सरकार के लिए, किसानों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था, ऐसे में केंद्र सरकार इस फॉर्मूले को लागू करने की आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी लगाई जा रही है, हालांकि इसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना है आया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये जो बात निकल कर सामने आई है वो कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसान संगठन अभी मौजूदा वक्त में एमएसपी है लेकिन किसी भी फसल पर नहीं है, कानून भी बनाया जाए, नया फॉर्मूला जो निकल कर आया है फॉर्मूला बनाया जाएगा, ऐसे में नई दिशा होगा क्या होते हैं इस फैसले पर, इस प्रस्ताव पर कब तक फैसला लिया जा सकता है, कब तक लागू होगा, किसान नेता या किसान देखते हैं। आपको ये हमारी कोशिश लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे इसी के साथ इजाजत दीजिए आप सबसे।